दोस्तों वेलकम टू जीरो आई एस। जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। हम लोग क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास सिक्स का एनसीईआरटी जो है दोस्तों, जिसमें 10 चैप्टर है 1 से 10 तक, उसको कम्प्लीट कर चुके हैं। और हम लोग चैप्टर पहला क्लास सेवन का भी शुरू किए थे, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्लास सेवन का एनसीईआरटी जो है चैप्टर 1 से शुरू किया है, ठीक है। तो एक चैप्टर कर चुके हैं, आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो आई का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूं। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। सभी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूं, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 2 क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री का एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी क्लास सेवन का, ठीक है, हिस्ट्री का। ये हमारा इंग्लिश में पीडीएफ है, ये हमारा हिंदी में पीडीएफ है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग किंग्स और किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जो किंग्स रहे हैं, किंगडम्स रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैप है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो 7 से 12 सेंचुरी तक का जो भारत उपमहाद्वीप का जो अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स रहे हैं, उसके बारे में, तो ये आपको मोटा मोटी याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप, पहाड़पुर झारखंड के पास आया है ना, यहाँ पे पालाज लोग थे, आपको पता है बंगाल का एरिया था, ठीक है। राष्ट्रकूट थे यहाँ पे, ठीक है, डक्कन में, इसकी राजधानी मालखेत थी, ठीक है। ये उत्कल बोलते हैं किसको, उड़ीसा को। ये गंगा डायनेस्टी यहाँ पे थी, गंगा डायनेस्टी, ठीक है। कलिंग यहाँ पे था, ईस्टर्न चालुक्य थी, देखिए ईस्टर्न चालुक्य, राजधानी थी वेंगी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्याज, ठीक है। ये देखिए कावेरी नदी है, ठीक है। ये तुंगभद्रा है, ये कृष्णा है, ठीक। तो ये सब मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखिए, आप पूछ सकता है डायरेक्ट अनराटा कहाँ पे था, तो आपको कहाँ पे था अनराटा, गुजरात में, डायरेक्ट पूछ सकता है। फिर आपको लगेगा यार कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे परमार था मालवा के पास, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, चंदेल, ठीक है। उसके बाद ये चौहान, इसी को चौहान भी बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान वाला, ठीक है। ये इंद्रप्रस्थ हो गया, ये कन्नौज हो गया, मोटा मोटी, ठीक है। ये अरब के मुल्तान थे यहाँ के, और मंसूर के अरब थे, बस इतना अगर आपको अच्छे से जानकारी है। ये साइस था, ठीक है, ये सारा चीज़ है। इसको देखिए, कामरूप बोलते थे, कामरूप जो था असम को बोलते थे कामरूप, क्लियर। तो ये सब मोटा मोटी आपको अगर आइडिया है, आप आसानी से दोस्तों क्वेश्चन अगर आता है इस टॉपिक से और आएगा ही, तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो सेवन सेंचुरी आते आते दोस्तों बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और जो योद्धा थे उनका उदय हुआ, ठीक है। राजा लोग क्या करते थे, जो बहुत अमीर होते थे, जमींदार होते थे, या युद्ध में बहुत तेज होते थे, उनको सामंत के रूप में, सबऑर्डिनेट के रूप में दोस्तों मान्यता देते थे, ठीक है। तो जो सामंत होते थे, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, उनसे एक्सेप्ट, मतलब उनसे आशा किया जाए, उम्मीद किया जाता था कि वो राजा के लिए जो है गिफ्ट लेके आएगा, साथ ही साथ जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो मिलिट्री रूप से सहयोग भी करेगा, सैन्य सहायता भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो सामंत लोग जो है इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है, उन्होंने के पास पैसा आ गया, संपत्ति आ गया, और धीरे धीरे वो महासामंत बन गए, बड़े सामंत बन गए, और ख़ुद को टाइटल देने लगे महामंडलेश्वर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है सामंत के रूप में उधर उभय हुआ, ठीक है, उनका उदय हुआ, क्लियर। उसके बाद जिस तरह, जैसे जब सामंत बहुत स्ट्रांग हो जाता था और राजा कमज़ोर हो जाता था, तो खुद को जो है राजा घोषित कर देते थे। जैसे मान लीजिए ये राजा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ज़मींदार है या पैसा वाला है, तो इसको राजा सामंत के रूप में अपॉइंट कर देता था। ये सामंत जो होता था राजा को जो है पैसा भी देता था, ठीक, उपहार भी देता था, गिफ्ट देता था, और मिलिट्री रूप से सेना भी सहायता करता था। लेकिन जब ये सामंत बहुत स्ट्रांग हो जाता था और ये राजा बहुत कमज़ोर हो जाता था, तो ये सामंत जो है राजा के रूप में खुद को डिक्लेयर कर देता था, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल है राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूट कौन हुआ करते थे दोस्तों, तो राष्ट्रकूट जो थे वो कर्नाटक में जो चालुक्य है उनके नीचे आते थे। लेकिन जब चालुक्य कमज़ोर हो गया, तो उसका एक शासक था दंतीदुर्ग, तो राजकूट का एक शासक था दंतीदुर्ग ने क्या किया, जो चालुक्य जो उसका मालिक था उसको भगा, हटा दिया, भगा दिया,
ठीक है, और खुद जो है शासन कर लिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से जो सामंत था उन्होंने जो है एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो दंती दुर्ग ने चालुक्य को ओवरथ्रो करके अपना जो है शासन चालू किया। इसके लिए उन्होंने एक हिरण्यगर्भ युद्ध की, मतलब क्या किया, एक प्रतिष्ठा किया, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। ठीक है, हिरण्यगर्भ का मतलब है सोने का गर्भ। तो जो ये दंती दुर्ग बताया इस अनुष्ठान के जरिए कि हम जो हैं सोने के गर्भ से उभर के आए हैं। ठीक है, तो जो दंती दुर्ग था दोस्तों वो था एक क्या था, क्षत्रिय नहीं था, लेकिन अनुष्ठान अनुष्ठान करके ये बताया कि हम जो है क्षत्रिय हैं, मतलब अपना पावर को वो क्या कर रहे हैं बता रहे थे। हम देख रहे हैं किस तरह से सामंत जो है वो राजा को कैप्चर करता था और उससे स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे जो ब्राह्मण थे उन्होंने अनुष्ठान करके, ठीक है, और पूरा अपना युद्ध करके जो है अपने को क्षत्रिय के रूप में पेश किया। जैसे एक एग्जाम्पल है कदम्ब मयूर श्रमण। ठीक है, कदम्ब जो मयूर श्रमण था और गुर्जर प्रतिहार वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के ऑक्यूपेशन को छोड़ करके, ठीक है, अपना किंगडम जो है कर्नाटक और राजस्थान में इस्टेब्लिश किया। तो जो कदम मयूर शर्मन था, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है इनका शासन कहाँ था, तो कर्नाटक में था, याद रखिएगा। और गुर्जर प्रतिहार का, हरिश्चंद्र का शासन कहाँ था, राजस्थान में। डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, आपको लगेगा कि यार कहाँ से पूछ दिया, लेकिन आप देख रहे हैं अगर ये सब चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है कि नहीं, इसलिए NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फैक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर जो नए शासक किंगडम उभर के आए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह होता था। ठीक है, तो इसमें जो बड़े बड़े जो राजा उभर के आए उन्होंने खुद को टाइटल दिया महाराजा अधिराज का, त्रिभुवन चक्रवर्ती का। महाराजा अधिराज मतलब राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों संसार का राजा। तो इस तरह से टाइटल दिया, और ये जिसे अपने को लगे कि यार हाँ राजा बहुत पावरफुल है। ठीक है, साथ ही साथ जो सामंत हुआ करते थे उनके साथ भी राजा कुछ पावर को शेयर करता था। साथ ही साथ जो उस समय के जो ब्राह्मण्स होते थे, व्यापारी होते थे, पीजेंट्स होते थे, जो पावरफुल बनते गए तो राजा भी उनको थोड़ा थोड़ा जो है पावर शक्ति देता था ताकि वो भी खुश रहें और वो बदले में राजा को गिफ्ट और मिलिट्री हेल्प करें। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो अब इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। चोला के समय में पता है चोला कहाँ पे था, महाराष्ट्र, सॉरी चोला जो था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर था वहाँ पे चोल लोग का शासन था। ठीक है, तो चोला के समय में टैक्स लिया जाता था। तो एक टैक्स था वेटी, जो वेटी टैक्स था दोस्तों वो कैश नहीं लिया जाता था बल्कि आप उसको जबरन मजदूरी किया जाता करवाया जाता था, तो उसको बोलते थे वेटी। तो वेटी जो था वो फोर्स्ड लेबर के रूप में एक टैक्स था जिसमें पैसा नहीं लिया जाता था। और दूसरा कदमई, जो कदमई था वो एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि वेती क्या था, तो वेती था फोर्स्ड लेबर और एक कदमई था, कदमई जो था आपका क्या था वो आपका लैंड रेवेन्यू था, टैक्स था। क्लियर, अच्छा, तो यही इसी तरह से राजा को टैक्स वैक्स मिलता था और उसी से उससे मंदिर वंदिर का निर्माण करता था। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में बहुत मंदिर है, तो मंदिर का निर्माण क्यों कराया था, मंदिर का निर्माण इसलिए कराते थे कि ताकि राजा जो है जब भी किसी दूसरे एरिया को कैप्चर करता था तो वहाँ पे अपना शासन दिखाने के लिए हम पावरफुल हैं कोई मंदिर का निर्माण किया था। तो इसलिए आप देखेंगे साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, तो बहुत सारे मंदिर को राजा जनरली बनाते थे, जबकि आम आदमी भी छोटा मोटा मंदिर बनाते थे, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर आपको दिख रहे हैं वो राजा बनाते थे। मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, देखेंगे आप रिद्धेश्वर मंदिर, तो उसको राजराजावन ने जो चोल शासक था वो बनाया था। ठीक है, अब देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर उसको, अभी मैं चूँकि ट्रेनिंग में हूँ तो मैं कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका फ़ोटो खींचे थे, आप देखिए टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे प्रशस्ति और भूमि अनुदान के बारे में। ठीक है, तो जो प्रशस्ति क्या होता था दोस्तों, प्रशस्ति मतलब ऐसा ब्यौरा होता था, ऐसा डिटेल होता था जो सही प्राय नहीं होता था, लेकिन उससे राजा को बारे में बताते थे कि राजा बहुत बड़ा योद्धा था, राजा मंदिर का निर्माण करता था, उसको प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक नागभट्ट के बारे में प्रशस्ति है। नागभट्ट जो था दोस्तों गुप्त का शासक था। ठीक है, तो नागभट्ट जो था कौन था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नागभट्ट जो था, सॉरी, एक प्रतिहार का शासक था। इससे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, उसके प्रसारी से उसके लिखा है उसके बारे में। तो उसी तरह नागभट्ट जो था वो एक प्रतिहार था। प्रतिहार कहाँ, राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे गुर्जर प्रतिहार मालवा के आसपास उनका शासन था। ठीक है, तो उसने उसके बारे में प्रशस्ति में लिखा गया है कि वो बहुत बड़ा राजा था, सभी चीज़ को वो जीत लिया। ठीक है,
तो उसके प्रशस्ति में कुछ वर्ड्स का उल्लेख है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है आपको अनर्थ कहाँ था, तो अनर्थ जो था दोस्तों वो कहाँ था, गुजरात का हिस्सा था, मालवा तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश का हिस्सा। किरात पूछ सकता है किरात कौन हुआ करते थे, तो वनवासी हुआ करते थे। तुरुस्क पूछ सकता है तुरुस्क क्या था, तुर्क था। वंग क्या था, तो बंगाल का हिस्सा। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। मत्स्य, तो उत्तर भारत के राज्य को मत्स्य बोलते थे, ठीक, क्लियर। चलिए, साथ ही साथ राजा जो है, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड ग्रांट देता था, ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा देता था, और उस ज़मीन के टुकड़े से राजा जो है, तो राजा जो था वो ब्राह्मण को ज़मीन का टुकड़ा देता था, ठीक है, उस ज़मीन के टुकड़े से जो ब्राह्मण्स होते थे, मान लो कोई ज़मीन का टुकड़ा है ब्राह्मण को दिया गया, इस ज़मीन का टुकड़ा जो भी टैक्स वैक्स होता था वो राजा को नहीं दिया जाता था, बल्कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो उससे मेंटेन करते थे अपने आप को, ताकि सेना वेना भी उससे भेजते थे, सैनिक वैनिक भी रखते थे, जब जरूरत पड़ता था तो इसी पैसे से, इसी टैक्स से सैनिक लोगों को सैलरी भी देते थे, और यही सैनिक जो है राजा को हेल्प भी करता था युद्ध लड़ने में, ठीक है। तो याद, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद चोल जो शासक थे उन्होंने ज़मीन लोगों को देते थे, वहाँ पे नहर का कैनाल का निर्माण होता था, इरीगेशन के लिए फैसिलिटी होता था, मछली के लिए पौंड बनाते थे, है ना, ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या वो चोल शासक करते थे। तो नॉर्मल जो चीज़ है, पेड़ पौधे लगाते थे, फल फूल वाले, तो ये सारा चीज़ है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, उसके बाद पैसा कहाँ से आता था दोस्तों युद्ध के लिए, तो युद्ध के लिए पैसा कहाँ से आता था, तो नया नया एरिया को जीतते थे वो लोग, ठीक है, और टैक्स वैक्स लगाते थे तो उससे पैसा आता था। फिर आपको पता है कि मंदिर जो था उस समय, मंदिर में तो जो मंदिर हुआ करता था दोस्तों, तो मंदिर से भी बहुत सारे लोग पैसा लूटते थे, क्योंकि मंदिर में बहुत सारा धन इकट्ठा होता था, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक एरिया था कन्नौज दोस्तों, कन्नौज कहाँ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, यहाँ पे देख लीजिए मैप में, कन्नौज, कन्नौज नहीं दिया है ना, कन्नौज दिया है क्या इसमें, देखिए पाला, प्रतिहार, ठीक है, और राष्ट्रकूट, तीनों के बीच में लड़ाई होता था, इसको त्रिपक्ष संघर्ष बोलते थे, क्योंकि तीन लोग लड़ते थे, पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो एक कन्नौज एरिया था मालवा के आसपास, तो उसको कैप्चर करने के लिए, क्यों कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से बस पे बहुत सारी नदियाँ जाती थी, प्लस वहाँ पे आयरन मिलता था, तो आयरन से वो लोग युद्ध का सामान बनाते थे, खेती वेती के लिए हल वल बनाते थे, तो इसीलिए सभी लोग जो है कन्नौज को कैप्चर करना चाहते थे, तीन लोग, तो पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक। तो उसी को हम लोग त्रिपक्ष संघर्ष बोलते थे, क्योंकि तीनों पक्ष में लड़ाई होता था, ठीक है, किसमें, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक। तो मंदिर को लोग कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारा जो होता था वो क्या होता था, पैसा होता था, क्लियर। तो महमूद गजनी था दोस्तों अफगानिस्तान का, ठीक है, जिसने आपको पता है सोमनाथ मंदिर था गुजरात में, उसको 17 बार अटैक किया, क्यों, पैसा चुराने के लिए, वहाँ से पैसा लूटने के लिए, और उसी पैसे से उसने गजनी जो एक शहर है कहाँ पर अफगानिस्तान में, उसको बहुत डेवलप किया था। तो मंदिर पर अटैक इसलिए होता था क्योंकि एक तो हो गया कि धर्म प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म बर्बाद करने के लिए, और दूसरा मंदिर जो था वो संपदा का एक भंडार था, बहुत सारे लोग उसमें ग्रांट देते थे, सिर्फ मंदिर नहीं था, मंदिर जैसे होता था तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारा शहर भर डेवलप भी हो जाता, तो उससे भी पैसा जो है मंदिर को प्राप्त होता था, इसीलिए मंदिर में पहले जो है बहुत ज़्यादा अटैक होता था, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल है महमूद गजनी जो अटैक किया था ये, ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके अलावा और भी लोग युद्ध में जुड़े हुए थे, जैसे दिल्ली और अजमेर को कैप्चर करने के लिए चौहान का शासन था वहाँ पे, ठीक है, चौहान, और उसके पहले, चौहान के पहले जो था वहाँ पे शासन था हुआ करता था वो था अनंगपाल का, ठीक है, चौहान के पहले, क्लियर, चौहान तो बाद में, अनंगपाल, ठीक। उसके बाद चौहान जो आपका वेस्टर्न यूपी है, ठीक है, वहाँ पर गढ़वाल का शासन था, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो यूपी का इधर गढ़वाल, ठीक है, चौहान जो था, जो हम लोग बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो उसका नाम था पृथ्वीराज थ्री, तो पृथ्वीराज थ्री ने जो है, ठीक है, डिफीट किया था, हराया था किसको, मोहम्मद गौरी को 1191 में, ठीक है, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जो है 1192 में मोहम्मद गौरी हार गया था, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इधर है चोल राज के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है चोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल का जो शासन था दोस्तों वो उरियूर से तंजावुर तक था, तंजावुर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, उरियूर भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक,
यहाँ पे देखिए आप, ये उरियूर है, ये तंजौर है, ये मदुराई है, ये पांडियन का शासन। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं अरेंज करने नॉर्थ से साउथ, तो गंगईकोंडा चोलापुरम, फिर उरियूर, फिर तंजौर और मदुरई। तो ये आपको मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी मैप दिए होते हैं एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यादव का शासनकाल यहाँ पे था, कलिंग यहाँ पे था, साउथ कलिंग, ये वेंगी, ईस्टर्न चालुक्य, ये काकतीय तेलंगाना में, ठीक है। ये पूछ देगा अगर आपसे नोलम बावाड़ी, ये अगर पूछ दे तो बहुत कम ही लोग बता पाएंगे नोलमाबादी कहाँ पे था। दे देगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में नहीं था, कहाँ पे था, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। बनवासी पूछ दे कहाँ पे है बनवासी, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का बॉर्डर है ना। गंगावाड़ी पूछते हैं, गंगावादी, तो आपको लगेगा गंगावादी यार गंगा में होगा, गंगावादी यहाँ नहीं है, कहाँ पे, कर्नाटक और तमिल जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर में, बेसिकली कर्नाटक में है, क्लियर। तो ये सारा चीज़ कदम्ब पूछ दे, बादामी पूछ दे, कल्याणी पूछ दे, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बार बार उसको देखेंगे अपने याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद तो किस तरह से चोल जो है शासनकाल में आए उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए चोल के शासनकाल से पहले, ठीक है, कावेरी जो डेल्टा है, कावेरी जो डेल्टा है वहाँ पे मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार का सत्ता था, ठीक है। तो ये जो मुट्टियार था, ठीक है, ये जो थे पल्लव जो थे ना कांचीपुरम में, कांचीपुरम देखिए यहाँ पे कांचीपुरम, ठीक है। तो जो कांचीपुरम था उसके नीचे, ठीक है, कांचीपुरम में जो राजा था उसके नीचे जो है आपका रहते थे कौन, मुट्टियार, ठीक है। तो मुट्टियार को उखाड़ के, ठीक है, विजयालय ने चोल जो स्थापना किया, चोल वंश का स्थापना किया, ठीक है, 9th century के आसपास, क्लियर। फिर उसके बाद उसने तंजौर में शहर का निर्माण किया और एक देवी का मूर्ति के बनाया और मंदिर बनवाया, ठीक है, नी शुंभ सुदिनी मंदिर, किसने, विजयालय ने, ठीक है, मुट्टियार को मार के, क्लियर। चलिए उसके बाद जो विजयालय के जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने आसपास के एरिया को कैप्चर करते 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 साइज बड़ा कर लिया। उसके बाद चोल का जो शासन काल को और एरिया को बहुत एक्सपेंड कर दिया, बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। फिर पांडे और जो पल्लव टेरिटरी को उसने जीता साउथ में, और उसके बाद नॉर्थ को भी अपना एरिया बनाया। तो जो चोला थे, जो साउथ में उसके पांडे थे, पांडे को भी जीता और उधर ऊपर में भी उसने कैप्चर किया। तो एक फेमस, उसके बाद जो है एक फेमस राजा जो चोल वंश का आया, उसका नाम था दोस्तों राजराजावन, ठीक है। तो राजराजावन जो था वो सबसे पावरफुल जो था चोल राजा था, ठीक है, जो 985 में जो है राजा बना, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा जो था उसका नाम था राजेंद्र फर्स्ट, जिसने गंगा जो वैली है जिसे हम लोग देखे गंगा वैली, ठीक है, ये जो आपका देखे गंगा डायनेस्टी था ना इधर, ठीक है, इसको जीत के गंगईकोंड चोलापुरम का शहर का स्थापना किया, किसने किया, तो राजेंद्र वन ने किया, जो राजराजावन का कौन था, बेटा था, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद साथ ही साथ उसने श्रीलंका तक भी अपनी आर्मी भेजी, साउथ ईस्ट एशिया में भी आर्मी भेजी, और इसके लिए एक जल सेना भी बनाया, नेवी का भी निर्माण किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे है, साथ ही साथ बड़े बड़े आपका जो है मंदिर वंदिर भी बनाए और ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बनाया, कांसे का जो भी है मूर्ति भी दोस्तों उसने उन लोगों ने बनाया। तो तंजौर और गंगईकोंड चोलापुरम में राजराजावन और राजेंद्र फर्स्ट ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, ठीक है। मैंने आपको कल फ़ोटो भी भेजा था टेलीग्राम चैनल पे मूर्तियों का और आपको जो है मंदिर का, तो आप उसको देखिए आपको अच्छा लगेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तब देख रहे हैं कितना भव्य जो है मंदिर चोल शासक लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये गंगईकोंड चोलापुरम जो है यहाँ पर आप देखिए मैप में, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने, राजेंद्र वन और राजराजा वन ने, ठीक। तो मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होते दोस्तों, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो है वो इकोनॉमिक सेंटर भी उभर के आया, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है व्यापार करते थे, पंडित वंडित का और भी दुनियादारी का, स्वीपर्स का, कुक्स के लिए, म्यूजिशियन के लिए, डांसर के लिए भी एक आय का, इनकम का सोर्स के रूप में जो है वो उभर के आया, कौन, मंदिर, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मंदिर एक इकोनॉमिक सेंटर था, इसीलिए वहाँ पे जो है अटैक करते थे, और इसीलिए वहाँ के राजा जो है मंदिर वंदिर बनाते थे ताकि जो है
हम अपना वर्चस्व को, अपना कंट्रोल को वो दिखा पाएँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे देखिए। साथ ही साथ ब्रॉन्ज का स्कल्पचर भी बना, ठीक है। तो आपको पता है चोला का जो नटराज है पिक्चर, ठीक है, वो कितना आपको फेमस है। साथ ही साथ देखिए मूर्ति का, देखिए डिजाइन और आपका एनाटॉमी देखिए, कितना सुंदर ब्यूटीफुल जो है मूर्ति जो है चोल शासक द्वारा बनाया जाता था। और किस स्टेज का था ये? ब्रॉन्ज का था, कांस्य का था। कांस्य किसका एलॉय होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जो कांस्य होता है, ब्रॉन्ज होता है, वो किसका एलॉय होता है। क्लियर? अच्छा ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए चोल शासकों ने बहुत जो है बड़ा रोल प्ले किया। क्यों वो चाहते थे एग्रीकल्चर को डेवलप करना? क्योंकि जब तक किसान क्योंकि ज़्यादातर जो टैक्स होता था वो लैंड रेवेन्यू से आता था, भूमि राजस्व। और भूमि राजस्व टैक्स तभी लोग दे पाएंगे जब आपका जो है एग्रीकल्चर डेवलप होगा। और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए जो इरीगेशन सिस्टम था उसको बहुत जो है डेवलप करना पड़ता था, क्योंकि बिना सिंचाई के एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए चोल शासक ने बहुत सारा जो है नहर वहर का निर्माण कराया, ट्यूबवेल्स का निर्माण करवाया, उसके बाद टैंक का निर्माण कराया, ताकि जो है आसानी से वो जो है कृषि जो है डेवलपमेंट हो पाए और इरिगेशन डेवलप हो पाए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। देखिए नहर का है, किस तरह से पानी इधर आता था, ये डाइवर्ट करके इधर लेके जाते थे, ठीक है। प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन करने के लिए किस तरह से उसका जो है चोल शासक का साम्राज्य या प्रशासन बटा हुआ था, देखिए। जो गांव था, ठीक है, जो छोटे छोटे गांव थे, ठीक है, उसको उर बोलते थे, ठीक है। तो किसानों का जो बस्तियां होता था उसको उर कहते थे। और धीरे धीरे वो उन्हीं की गांवों को जोड़ के नाडू का निर्माण किया। तो अभी आप जो तमिलनाडु देखते हैं तो नाडू क्या था? गाँवों का एक कलेक्शन था, ठीक है। और उर क्या था? छोटा सा गाँव था, ठीक है, समझ में आया। साथ ही साथ चोल राजा जो थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनको अलग छोटा छोटा टाइटल भी देता था। क्योंकि ज़मींदार को क्यों टाइटल देता था? क्योंकि ज़मींदार जो था बदले में राजा को टैक्स भी कलेक्ट करके देता था, साथ ही साथ सेना वेना भी उसको भेजता था ज़रूरत पड़ने पे। इसीलिए राजा, वहाँ के जो राजा थे चोल राजा, उन्होंने जो है किसानों को, बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, उनको टाइटल देना चालू किया। टाइटल दे उनको देते थे, सम्मानित करते थे, मुवेंद वेलन, ठीक है, या अरियार। तो ये आपसे पूछ सकता है अरियार कौन हुआ करता था, मुवेंद वेलन कौन होता था? तो ये धनी जो बड़े बड़े किसान होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, जमींदार होते थे, उनको ये सब टाइटल राजा देता था। क्लियर? आपसे पूछ सकता है नाडू क्या होता? तो नाडू गांवों का समिति था। उर क्या था? तो उर जो होता है एक गाँव था जहाँ पर समृद्ध किसान लोग रहते थे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे देखिए। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि के प्रकार के बारे में बोला गया है। तो एक भूमि होता था वेलन वगाई। तो वेलन वगाई क्या होता था दोस्तों? जो ज़मीन दिया जाता था गैर ब्राह्मण को, तो जो गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, उनके ज़मीन को हम लोग वेलन वगाई बोलते थे। जो ज़मीन राजा ब्राह्मण को देता था उसको ब्रह्मदेय बोलते थे। साल भोग क्या होता था? तो स्कूल के लिए, रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको साला भोग बोलते थे। साला मतलब क्या होता है? विद्यालय, ठीक है। एक देवदान होता था, या बोलते थे तिरुण मटक्कनी। तो ये मंदिर को जो उपहार में ज़मीन दिया जाता था उसको बोलते थे देवदान या तिरुण मटक्कनी। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये लोग सब क्या था। फिर एक चीज़ होता था उसको बोलते थे पलीचंदम। पलीचंदम क्या होता था? तो जैन लोग जो होते थे उनको जो ज़मीन राजा दिया जाता था अनुदान में, ग्रांट में, उसको बोलते थे पलीचंदम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह एक वर्ड होता था नगरम। तो नगरम कौन होता था? जो भी उस शहर के नामी गिरामी व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनके ग्रुप को, उनके एसोसिएशंस को नगरम बोलते थे। तो ये आपका चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक अभिलेख है दोस्तों, उट्टामेरूर से मिला है, ठीक है। तो उसमें वर्णन, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो सभा होता था, देखिए लोगों का ग्रुप के सभा बोलते थे, ठीक है। तो वो जो सब ब्राह्मणों का भी सभा होता था, तो किस तरह उसका गठन होता था उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो सभा को देख रेख करने के लिए बहुत सारी समितियाँ होती थी जो अलग अलग काम करती थी, कि सिंचाई से रिलेटेड लोगों को देखती थी और भी दुनियादारी का चीज़ जो है वो देखती थी सभा। तो ये कुल मिला के देखेंगे तो वो लोकतांत्रिक तरीके से सभा जो है काम करता था, ठीक है। तो जो अभिलेख है उट्टामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा में का मेम्बर कौन बन सकता था? तो
सभा का मेंबर वो बन सकता था जो इसके पास ज़मीन होता था, जिसके पास अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 साल उसका एज होना चाहिए, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप एक बार देख लेंगे कि सभा का मेंबर कौन उस समय बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। शहर के दूर जो है एक बहुत दूर जो है एक गांव हुआ करता था, एक लोगों का एरिया होता था झोपड़ियों से भरा हुआ, जिसको हम लोग पुलाया बोलते थे। पुलाया एक ऐसा समूह था जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, मतलब आज का जो अनटचेबल वर्ग है जो गांधी जी के समय था। ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे तमिल भाषा में, पुलाया। तो पुलाया कौन होता था, जो गांव से जिसको बहिष्कृत कर देते थे, मतलब समान वर्ग जिसको नहीं मानते थे अपने समूह का पार्ट, उसको विल्लाया बोलते थे, उसको क्या बोलते थे पुलाया। ठीक है, और ब्राह्मण और विल्लाल कौन हुआ करता था, वो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, और पुलाया कौन था, ऐसा समूह जिसको ब्राह्मण और जो है वो सब लोग नहीं मानते थे। तो ये सारा चीज़ था चैप्टर टू से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग क्या में पढ़ा, क्या क्या पढ़े, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्ला, चोलाज के बारे में। तो पाल देखिए, गुजर प्रतिहार कहाँ था, गुजरात राजस्थान, पल्लज कहाँ पे था, बंगाल, चोला कहाँ पे था, तमिलनाडु, और राष्ट्रकूट कहाँ पे था, वेस्टर्न दक्कन। ठीक है, तो ये सब आप मैच कर लेंगे, एक बार लेक्चर सुन लीजिए अच्छे से, और ये जो PDF पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में आगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना, तो हम लोग जो इसमें पढ़े हैं दोस्तों वो है सामंत क्या होता था उसके बारे में पढ़े, टेम्पल क्यों बनाते थे, क्यों अटैक होता था। ठीक है, नाडू के बारे में पढ़े, सभा के बारे में पढ़े, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़े। तो आशा करते हैं ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इतना अच्छा NCERT पे आपका पकड़ हो जाएगा दोस्तों। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने NCERT पर एक बार कमांड कर लिया तो आपका प्रीलिम्स जो आसानी से निकल जाएगा, फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो सभी चीज़। इसलिए क्लास 6 से 12 तक NCERT को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लाइन के बीच में क्या मतलब है उसको भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम को निकालने में दिक्कत नहीं हो दोस्तों। आशा करते हैं ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, और आप इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके नए नए वीडियो लेके आऊँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।